तो फाइनली गाइस रेड ब्रांड जिस पर मंडे नाइट रॉक एंड हो चुका है। इस शो के अंदर बहुत ही शॉकिंग चीज़ देखने को मिली है, हमारे ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हुआ है। ब्रॉक लेसनर बहुत ही बीस्ट मोड में आते हैं और साथ ही एक शॉकिंग टाइटल चेंज देखने को मिला है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि शो के एंड तक दो मैच समर स्लैम के लिए बुक कर दिए गए हैं, तो टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करते और बताते हैं कि आज के मंडे नाइट रॉक में क्या क्या हुआ। हाँ तो फाइनली गाइस शो की स्टार्टिंग हमारे कोडी रोड्स के इंट्रो सेगमेंट से होती है। अमेरिकन नाइट मेयर इंट्रो सेगमेंट में ब्रॉक लेसनर के बारे में बात करते हैं और उनको फाइट लेने के लिए चैलेंज देते हैं और ये भी कहते हैं कि ब्रॉक लेसनर जब भी रिंग में आएंगे मैं उनसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। रिंग साइड में कोडी रोड्स की फैमिली बैठी हुई होती है जो इस इंट्रो सेगमेंट को सुन रही होती है, और जैसे ही कोडी रोड्स अपने फैमिली से मिलने जाते हैं तो वहाँ पर ब्रॉक लेसनर का थीम सॉन्ग बजता है और वो रिटर्न करते हैं और कोडी रोड्स पे अटैक करते हैं। तो गाइस इस अटैक में ब्रॉक लेसनर का बीस्ट मोड ऑन हो जाता है और वह उनकी फैमिली के सामने ही कोडी रोड्स को इंजर्ट कर देते हैं और एक बार F5 देते हैं और दो बार किमोरा लॉक में जकड़ देते हैं, जिससे कोडी रोड्स की हालत बहुत ही ख़राब होती है और एंड में वो कोडी रोड्स के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो गाइस एक मैच तो यहाँ समर स्लैम के लिए ऑफिशियल हो गया कि ब्रॉक लेसनर और कोडी रोड्स का मैच समर स्लैम में होने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पर हमें 1v1 मैच देखने को मिलता है गुंथर और रिडल के बीच में, जहाँ दोनों के बीच बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइट होती है। रिडल की तरफ से भी चॉप्स आते हैं और गुंथर तरफ चॉप्स आते हैं, लेकिन एंडिंग द मैच गुंथर ने ड्रॉप किक लगा दिया होता जिससे वो इस मैच को जीत जाते हैं और अपने मैच जीतने के बाद कमेंट्री साइड से ड्रू मैकइंटायर को गुंथर धमकी भी देते हैं और इस सेगमेंट का अंत हो जाता है। आफ्टर बैक स्टेज एक इंटरव्यू चल रहा होता है जहाँ पर ली मॉर्गन और रॉकेल अपने टैग टीम टाइटल के बारे में बता रही होती है, लेकिन उसी समय रिया रिप्ले का वहाँ एंट्री होती है और इंस्टेंटली उनके बीच फाइट हो जाती है जिससे रॉकेल बहुत ही इंजर्ड हो जाती हैं। और आपको बता दूं कि लिव मॉर्गन और रॉकेल अपने टाइटल को आज मंडे नाइट रॉ में डिफेंड करने वाले हैं चेल्सी ग्रीन और सोनिया डेविल से। आफ्टर इसके बाद द जजमेंट डे का सेगमेंट देखने को मिलता है जहाँ जजमेंट डे की पूरी टीम रिंग साइड आती है। वहाँ पर रिया रिप्ले सबसे पहले डोमिनिक मिस्टीरियो के बारे में बातें करती हैं कि वो अगले NXT नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन बनने वाले हैं, और डेमन प्रिस्ट अपने मनी इन द कैश बैग को लेकर अपनी बातें सामने रखते हैं और फिन बैलर को बताते हैं कि वो सेथ रॉलिंस को समर स्लैम में हराने वाले हैं। तो गाइस कल WWE NXT में नॉर्थ अमेरिकन टाइटल मैच के लिए डोमिनिक मिस्टीरियो का मैच बुक किया गया और 100% द जजमेंट डे श्योर है कि कल डोमिनिक मिस्टीरियो इस टाइटल को अचीव करेंगे। इस सेगमेंट के बीच में सेमी जेंट्स एंड केविन ओवेंस की एंट्री होती है जहाँ पर सेमी जेंट्स कल होने वाले डोमिनिक मिस्टीरियो के मैच के लिए मजाक उड़ाते हैं और डोमिनिक मिस्टीरियो इसके रिप्लाई में उनको टैग टीम मैच लड़ने के लिए कहते हैं, और मेन इवेंट में सेमी जेंट्स और केविन ओवेंस का मैच डोमिनिक मिस्टीरियो डेमन प्रिस्ट से बुक कर दिया। देन इसके बाद वुमेन टैग टीम डिवीजन मैच देखने को मिलता है जहां रॉकेल और लिव मॉर्गन अपने टैग टीम टाइटल को डिफेंड कर रही होती हैं सोनिया डेविल्स और चेल्सी ग्रीन के अगेंस्ट। गाइस ये मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग चल रहा था, रॉकेल और लिव मॉर्गन अपने मैच को बहुत अच्छी तरह से डिफेंड कर रही थी बट रॉकेल की नी में इंजरी थी, तो एंडिंग द मैच सोनिया डेविल और चेल्सी ग्रीन इस मैच को जीत जाते हैं और WWE के नए टैग टीम चैंपियंस बन जाती हैं। तो गाइज़ यहाँ पर हम लोगों को शॉकिंग टाइटल देखने को मिलता है कि शॉकिंग टाइटल कैसे चेंज हुआ और बहुत ही एक रेड ब्रांड के शो में इस टाइटल को चेंज कर दिया गया। गाइज़ रिया रिप्ले और रॉकेल के बीच में अगेन एंड अगेन कंट्रोवर्सी चल रही है और इससे एक बात तय होती है कि इन दोनों का मैच समर स्लैम के लिए बुक करा जा सकता है, जैसा कि रिया रिप्ले ने आज रॉकेल के ऊपर अटैक किया था जिनसे उनकी नी में इंजरी हो गई थी जिस कारण वो अपने टाइटल को ठीक तरह से डिफेंड नहीं कर पाए थे और उनको हार का सामना करना पड़ा था। तो इससे एक बात ये होता है कि WWE वाले इस मैच को समर स्लैम के लिए ऑफिशियल बुक कर सकते हैं। देन गाइज बैक स्टेज में हमारे द विजनरी सेथ फ्रीकन लॉरेंस का इंटरव्यू चल रहा होता है जहाँ वो अपने इंट्रो में ये बताते हैं कि उनके टाइटल को फ्यूचर में कौन कौन डिफेंड कर सकता है। इस लिस्ट में उन्होंने फिन बैलर, डेमन प्रिस्ट और ड्रू मैकइंटायर का साथ ही इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन गुंथर का नाम भी लिया था, लेकिन देन इसके बाद वहाँ पर फिन बैलर आते हैं और उनको मैच के लिए चैलेंज करते हैं, लेकिन सेथ रॉलिंस उस टाइम फिन बैलर को बाहर जाने के लिए कहते हैं। फिन बैलर बाहर तो जाते हैं लेकिन उन पर ब्रूटली अटैक कर देते हैं। गाइज इसके बाद एक वाइकिंग रूल्स मैच देखने को मिलता है जहाँ अल्फा अकेडमी वर्सेज द वाइकिंग रेडर्स एक टैग टीम मैच होता है। तो गाइज आपको बता दूं कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे सबसे अच्छा आज रेड ब्रांड का मैच लगा वाइकिंग रेडर्स और अल्फा अकेडमी के बीच का। इस मैच के अंदर जो ओटिस की एनर्जी थी वो देखने लायक थी, वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन एंडिंग द मैच वाइकिंग रेडर्स की तरफ से इंटरफेयर हुआ था जिसके कारण अल्फा अकेडमी इस मैच को हार गए थे। देन इसके बाद वुमेन डिवीजन का 1v1 मैच देखने को मिलता है जहाँ सेना बेजल वर्सेस निक्की क्रॉस का मैच होता है। वहाँ पर सेना बेजल इस मैच को बहुत ही आसानी से अपने सबमिशन से बहुत ही जल्दी जीत जाती हैं। आफ्टर इसके बाद ऑडियंस साइड में रोंडा राउज़ी इस मैच को देख रही होती हैं। बाद में सेना बेजल और रोंडा राउज़ी के बीच में कुछ इंट्रो सेगमेंट। आफ्टर इसके बाद रेड ब्रांड में एक मिस टीवी का शो था जहाँ मिस टीवी के शो को होस्ट करने था मिस रिंग में आते हैं और अपने पिछले हफ्ते के मैच की विक्ट्री के बारे में प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि मैं विनर था। देन इसके बाद द मिज अपने स्पेशल गेस्ट द मैन बैकी लेंच को अपने शो के अंदर बुलाते हैं और बैकी लेंच उनके शो में आती हैं। इसके बाद मिज बैकी लेंच के पिछले वीक में होने वाले मैच की हार के बारे में उनसे जिक्र करते हुए बोलते हैं कि आपने अपना मैच पिछले वीक कैसे हारा था। यह सुनकर बैकी लेंच को बहुत ही गुस्सा आता है, वह चेयर्स को रिंग साइड फेंक देती है और मिज को बहुत ही चिल्लाती है और उनसे कहती है कि मिज टीवी तुम्हारा बहुत ये शो बहुत ही स्टूपेड है। देन इसके बाद जो स्टार को ट्रिस स्टेटस की एंट्री होती है वहाँ पर बैकी लेंच और उनके बीच में कुछ इंट्रो सेगमेंट चल रहा होता है, लेकिन इमीडिएटली उनके बीच फाइट हो जाती है और ये फाइट खत्म होने के बाद इस सेगमेंट का अंत हो जाता है।
आफ्टर इसके बाद एक 1v1 मैच देखने को मिलता है जहाँ ब्रॉन्सर रीड का मैच सेंस के नाकाम हो रहा होता है। मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग जा रहा होता है, लेकिन बीच मैच में टोमासो चैंपा आते हैं और ब्रॉन्सर रीड पर अटैक कर देते हैं और यह मैच डिस्क्वालीफाई हो जाता है, जिससे इस मैच को सेंस के नाकाम हो रहा हार जाता है। एंडिंग था मैच सिंस के नाकामुरा बहुत ही गुस्से में होते हैं और टोमासो चैंपा के ऊपर अटैक भी कर देते हैं। आफ्टर इसके बाद मंडे नाइट रॉ का मेन इवेंट मैच होता है जहाँ पर सेमी जेन एंड केविन ओवेंस का मैच डोमिनिक मिस्टर और डेमन प्रिट से होता है। लेकिन जैसे ही द जजमेंट डे की टीम रिंग साइड आती है, वहाँ पर सेथ रॉलिंस फिन बैलर के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसके कारण फिन बैलर को वो रिंग छोड़ के बाहर जाना पड़ता है। और ये मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग चल रहा होता है, हर बार की तरह रियर रिप्लेस मैच में इंटरफेयर करती है, लेकिन इससे इस मैच के ऊपर हम कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता। बट गाइस, इस मैच के एंड में एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलती है जहाँ पर लिम मॉर्गन आती है और रियर रिप्ले पर ब्रूटली अटैक कर देती है, और इसी दौरान केविन ओवेंस अपने मूव स्टनर का यूज़ करते हैं और सेमी जेन हुलुलु किक लगाकर इस मैच को जीत जाते हैं और यहीं पर रॉ ब्रांड का एंड हो जाता है। और गाइस, समर स्लैम के लिए एक मैच और बुक हो जाता है सेथ रॉलिंस और फिन बैलर के बीच में। गाइस, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और जो बंदे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।